हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ दाल फड़ा की रेसिपी, जो कि नॉर्थ इंडिया का ट्रेडिशनल डिश है और इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसे भकोसा, गोझा आदि नामों से भी जाना जाता है और हमारे यहाँ इसे दाल पीठा कहते हैं। आप जहाँ से भी देख रहे हैं आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है, आप उसे कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो दाल फड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले 150 ग्राम चने दाल को ओवरनाइट सोक कर लिया था और ये देखिए कितना अच्छा सा सोक हो गया है। तो अब इसके पानी को मैं निकाल कर इसका दरदरा सा पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया और मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। एक मीडियम साइज़ के अनियन को मैंने चॉप करके ऐड किया है, साथ ही एक मीडियम साइज़ के टमाटो को मैंने फाइनली चॉप कर लिया था, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर लीव्स, जो कि एक मुट्ठी भर के है। इसके साथ ही 5 से 6 ग्रीन चिली लिया, इसे भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी करी लीव्स। यहाँ मैंने 10 से 12 करी लीव्स लिए हैं, इसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में यूँ मसल के इसमें ऐड करूँगी ताकि अच्छा सा फ्लेवर दाल में आ सके। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, साथ ही 1 टीस्पून जिंजर, इसे मैंने ग्रेट करके ऐड किया है। और अब इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे अजवाइन ऐड किया, साथ ही 1/4 टीस्पून कलौंजी है, इसे हथेली पे जो रख के इसे मसल के ऐड करें तब इसकी खुशबू ना अच्छे से निकल के आएगी। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें, साथ ही 1/4 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली भी ऐड किया है, तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही 1/2 टीस्पून कोरिएंडर क्रश करके मैंने ऐड किया। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून चाट मसाला, आप चाहें तो ड्राई मैंगो पाउडर ऐड कर लें या फिर स्किप कर दें क्योंकि ये टोटली ऑप्शनल है। इसे मैंने अच्छे से कर दिया है मिक्स। तो अब मैं डो तैयार करूँगी। तो डो बनाने के लिए मैंने यहाँ एक पैन में 1.5 कप पानी ले लिया है और साथ ही मैं इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून घी। और अब इस पे एक ढक्कन डालकर मैं एक बॉयल आने तक फ्लेम ऑन रखूँगी। तो यहाँ देखिए पानी बॉयल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1.5 कप चावल का आटा और इसे डालते के साथ ना अब जल्दी से फ्लेम को मैंने लो कर दिया और इसमें लगातार चलाते हुए अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और यहाँ देखिए ये तकरीबन मिक्स हो चुका है। तो बस इसे ढककर मैं एक साइड पे कर दूंगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए आटा। तो तब तक मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ हरी चटनी। तो हरी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी भर के कोरिएंडर लीव्स लिया है, साथ ही 1 मुट्ठी भर के यहाँ पे मैंने मिंट लीव्स लिया है, 2 ग्रीन चिली मैंने यहाँ पे लिए है और इसके साथ ही 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ले लें। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून सॉल्ट और साथ ही मैं यहाँ पे 1/2 लेमन जूस ऐड करूँगी। और अब इसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। यहाँ देखिए पेस्ट तैयार हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल, इससे एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है धनिया पुदीने की चटनी में। तो अब इसे मैं साइड करके अब डो देख लेती हूँ। तो यहाँ मैंने एक बॉल में डो को निकाल लिया है और ये थोड़ा ठंडा भी हो चुका है और सॉफ्ट भी। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करके डो को सॉफ्ट बनाना है। साथ ही मैं अपने हाथ को थोड़ा सा घी से देखिए मैंने ग्रीस किया है और इसी तरीके से 1 से 2 बार आप थोड़ा थोड़ा सा घी लेकर इसे मिलाते हुए अच्छा सा डो तैयार कर लें। और ये देखिए देखिए बिल्कुल ही परफेक्ट डो तैयार हो गया है। तो अब हम सारे दाल को इसके अंदर स्टफ़ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने पेड़ा तैयार कर लिया है और इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी लगा लिया है ताकि ये चिपके नहीं बेलते हुए। और अब इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हम ना बेलन की हेल्प से एक राउंड शेप दे दूँगी। चावल के आटा का वो साइड होता ना बहुत प्लेन होता नहीं है बराबर का, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ढक्कन ले लिया है और इसे मैं से काट कर बिल्कुल ही राउंड शेप बना लूँगी। आप चाहें तो ग्लास की हेल्प से चाहे जो भी हो आपके पास उसे काट के बना लें।
और ये देखिए आप इसका थिकनेस भी चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा मोटा और कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने अब 1 टेबल स्पून वो दाल जो स्टफ़ करने के लिए वो बना के रखा था वो ऐड कर दिया और हल्के हाथों से प्रेस कर दिया। इसे लगाना नहीं है, एक दूसरे में चिपकाना नहीं है। यहाँ देखिए मैंने 5 तैयार किया है तो इसे मैं कर लेती हूँ स्टीम और बाकी मैं सारे बनाऊँगी। तो स्टीम करने के लिए मैंने एक पतीले में पानी ले लिया था और इसे गर्म कर लिया था। उसके ऊपर मैं इस तरीके से जाल वाले जो होते हैं ना, नेट वाले ढक्कन, या आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें स्टीम कर ले। तो मैंने यहाँ पे ये रखा है, ढक्कन रखा है जाल वाला, और इसके ऊपर मैं सारे दाल फड़े को रख रही हूँ और एक ढक्कन से मैंने इसे कवर कर दिया है। और यहाँ 5 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ इसको, तो ये एक साइड से बिल्कुल ही हो चुका है। तो इसे एक बार ना मैं टर्न कर दूँगी और फिर से 4 से 5 मिनट के लिए इसे स्टीम करूँगी। और ये फिर 5 मिनट बाद देखिए ये दाल फड़ा बनके तैयार है, बिल्कुल ही नॉर्थ इंडियन स्टाइल में मैंने बनाया है और टेस्ट भी इतना लाजवाब है। और इसे मैं हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ देखिए कितना अच्छा ये स्टीम हुआ है ना। और अगर आपने अभी तक ये रेसिपी ट्राई नहीं करी है ना, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये एक हेल्दी और टेस्टफुल ब्रेकफास्ट आपका बन सकता है, तो जल्दी से इसे कीजिए ट्राई और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये नॉर्थ इंडियन दाल फड़ा कैसा लगा और आपके यहाँ क्या कहा जाता है इसे, ये भी आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।